हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली स्वागत करते हैं एक नई ब्लॉग में। तो अभी हम आए हैं मुजफ्फरपुर में, आपको पता ही होगा मेरे ब्लॉग को देखने से। और मुजफ्फरपुर में आए हैं तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे एक और चाय का दुकान खुला है जिसका नाम है चाय गैराज, और मैं आज वहाँ पर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय गैराज के बाहर हूँ, और मैं इसका लोकेशन बता दूँ कि आपका रामदयालु मेन रोड जो पड़ता है, जो हाजीपुर की तरफ चला जाता है, उस रोड में पड़ता है, और मेरे पीछे है चाय गैराज। तो चलते हैं चाय गैराज के अंदर, और आज हम चेक करेंगे चाय गैराज का टेस्ट कैसा है और साथ में डेकोरेशन कैसा है। तो चलते हैं फिलहाल अंदर। ये देख सकते हैं गेट पे दोस्तों, गेट भी जो बना हुआ है यहाँ पे सिरिंज का बना हुआ है, जो कि गैराज में काम आता है। तो पहले चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों गेट के अंदर आ चुके हैं, और जैसे ही गेट के अंदर आते हैं तो सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पे एक जिप्सी, और जिप्सी का नंबर प्लेट पे यहाँ पे लिखा हुआ है चाय गैराज, जो अलग ही लुक दे रहा है। और आप देख सकते हैं शायद ये बिलिंग काउंटर है, और ये आपको शुरुआती में ही मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है, यहाँ पे कुछ कोट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। वो जब आप यहाँ पे आओगे तो आप पढ़ लेना, और भी मैं भी दिखाता हूँ कि बैक कैमरे से कि और क्या क्या है, और अंदर बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी लंबा चौड़ा है, और यहाँ पे चाय गैराज का एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है जो काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी सिस्टम दिया हुआ है जो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, जो लोग नेचर से प्यार करते हैं उनको काफ़ी अट्रैक्ट लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, ये आप देख सकते हैं ये टायर है ट्रक का, और इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, और यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं जो काफ़ी मस्त लगेगा। और इधर भी सीटिंग अरेंजमेंट है कुछ अलग तरीके से, और जो आप दीवार पे जो कलाकारी देख रहे हैं जो बनाया गया है, यहाँ पे ट्रक बनाया गया है, और यहाँ पे पार्किंग जोन बनाया गया है जो काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और दोस्तों दिखाता हूँ यहाँ पे एक और सीटिंग अरेंजमेंट है, ये देखिए यहाँ पे दो सीट लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी आप बैठ के चाय का आनंद ले सकते हैं। और इस सीट का देखिए खासियत, देखिए जिस तरह हम जब हम किसी बस या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो सीट के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो अभी हम हैं चाय गैराज के दूसरे साइड में, और देख सकते हैं यहाँ पे ट्रक है जो रेड कलर में है और काफ़ी बड़ा है, इसी पे ऑर्डर आपको देना है। तो मेरे पीछे वहाँ पे ऑर्डर देना पड़ता है, तो चलिए यहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं और फिर इंतजार करते हैं क्या क्या ऑर्डर में है, और साथ साथ आपको यहाँ का टेस्ट भी बताएंगे एकदम सही से। तो फाइनली दोस्तों अभी हमने वहाँ पे ऑर्डर लगाया, और मुझे स्लिप पे लिख के मिल गया है, और मैंने वहाँ पे पेमेंट किया। अब इस स्लिप को देना है मुझे ट्रक के अंदर, तो यहाँ पे ट्रक के अंदर देते हैं ऑर्डर, और फाइनली हमने अभी अपना स्लिप ट्रक के अंदर दे दिया है, और जो भी मैंने अभी अपना ऑर्डर लगाया है वो ट्रक के अंदर बनेगा। तो अभी हम लोग बैठते हैं कहीं अच्छी जगह ढूंढ कर, और इंतजार करते हैं बनने का। तब तो फ्रेंड्स ये है यहाँ का गैराज का स्पेशल पिज्ज़ा जो 155 का है, और ये है बर्गर 50 रुपीज़ का, और ये है कॉफ़ी 35 रुपीज़ का। तो अब इसको टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और फाइनली ये पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्लाइस है जो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही यम्मी लग रहा है, और इस पर जो चीज़ डाला हुआ है वो एक अलग सा टेस्ट दे रहा है, और साथ में इस पे जो अलग अलग वेजिटेबल्स है, कॉर्न है और पनीर है, साथ में मशरूम भी है, इसका टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये 155 का बेस्ट है, आप जब यहाँ पे आना तो टेस्ट करके बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा। फाइनली ये है 35 रुपीज़ का कॉफ़ी, और देख सकते हैं ऊपर से काफ़ी मस्त लग रहा है, तो अब इसको हम टेस्ट करेंगे नहीं तो फिर ये ठंडा हो जाएगा। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही मस्त है, और एज अ प्राइस देखें कि ये 35 रुपीज़ में इतने बड़े में मिल रहा है, और साथ में इसका टेस्ट जो है ना वो वाकई में काफ़ी अच्छा है। ऐसे आप चाय पीजिएगा तो चाय आपको 20 रुपीज़ 15 रुपीज़ में मिलता ही है, तो आप 35 रुपीज़ के प्राइस रेंज में आप कॉफ़ी का टेस्ट ले सकते हैं, वो भी बहुत ही मस्त।
तो इसको मैं फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फाइनली अब टाइम आ गया है सबसे लास्ट बर्गर का टेस्ट करने के लिए। और मैं बर्गर टेस्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, इस बर्गर में देख सकते हैं कि डबल आलू डाला गया है और 3 लेयर ब्रेड है, साथ में एक पनीर का टुकड़ा भी है अंदर में, और भी बहुत सारे मटेरियल डाले हुए हैं जो खाने के बाद पता चलेगा कि और क्या क्या है। तो मुझे तो ये देख के इतना बड़ा लग रहा है, मैंने स्ट्रीट फूड से 20 रुपये से बर्गर लेके मैंने 60 रुपये तक का बर्गर खाया है। इस बर्गर का प्राइस रेंज है 50 रुपीज़, और अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वाकई में ये 50 रुपीज़ का है या नहीं है। तो फाइनली अभी मैं पिज्ज़ा और कॉफ़ी पीते पीते मेरा बर्गर तो ठंडा हो गया है, पर अभी भी काफ़ी इसमें टेस्ट है। और अंदर आप देख सकते हैं इसमें सैलेड भी डाले हुए हैं जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसका आलू का क्रिस्पी लेता हूँ कैसा है। काफ़ी मस्त लग रहा है दोस्तों। मैंने अपने इतनी बार बर्गर टेस्ट किया है, ये बर्गर मुझे काफ़ी यूनिक लगा है। डबल आलू है, साथ में इसमें सलाद है, पनीर का टुकड़ा डाला गया है, एक स्लाइस डाला गया है, साथ में चीज़ है, और भी इसमें अलग अलग चीज़ डाले हुए हैं, और मुझे काफ़ी यम्मी लग रहा है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे जल्दी आएंगे तो और टेस्ट करते हैं इसका कैसा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों मैंने अभी तीनों चीज़ टेस्ट किया है, और मैं एक कंक्लूजन बताता हूँ कि ओवरऑल जब आप यहाँ पे आएंगे टेस्ट और प्राइस दोनों के कंपेयर करें तो काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी मस्त है। आपको 155 में यहाँ का स्पेशल पिज्ज़ा मिलेगा जो गैराज पिज्ज़ा है, स्पेशल है और काफ़ी मस्त लगेगा। और साथ में बर्गर जो है 50 रुपीज़ में, आप नॉर्मली जाइएगा अभी स्ट्रीट फूड खाने के लिए तो आई थिंक 35-40 रुपीज़ में आपको जो बर्गर मिलेगा उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा, यहाँ पे 50 रुपीज़ में उस क्वालिटी का बर्गर मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको क्वालिटी भी मिलेगा, साथ साथ आपको चीप रेट में मिल जाएगा। और कॉफ़ी की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि कॉफ़ी तो मस्त लग रहा है एकदम, आप इवनिंग में कॉफ़ी पीने आ सकते हैं, साथ में मेरे साथ भी आ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं अगर आना चाहते हैं तो। तो दोस्तों अभी तो इतना सारा है, फिनिश करने में मुझे वक्त लगेगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बताइए कि कौन सा अच्छा लगा और यहाँ पे आप कब आ रहे हैं, तब तक इसको हम फिनिश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हर चीज़ टेस्ट करने के बाद मेरा पेट तो एकदम भर चुका है, आप भी अपना पेट भरने आइए। और फाइनली यहाँ पे जो यहाँ के ऑनर है उनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आइडिया है, कैसा है हर चीज़। तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? जी मेरा नाम राहुल गुप्ता हुआ। अच्छा राहुल गुप्ता हुआ। हाँ जी। ये आपका खुद का स्टार्टअप है या फिर कैसे फ्रेंचाइज ली है? नहीं ये मेरा खुद का स्टार्टअप है, खुद का ट्रेडमार्क है यहाँ पे हमारा। एंड रहा कि ये मेरा आइडिया अगर आना का अगर पूछा जाए कि आइडिया आया कहाँ से, रहा कि जैसे अभी बहुत सारे कैफेज हैं जिसमें नाम में सुट्टा है, नाम में चिल्लम है, लेकिन वहाँ मिलता नहीं है। हमारे चाय गैराज में नाम में चाय भी है, गैराज भी है, दोनों चीज़ें यहाँ मिल जाएंगे आप। नहीं बिल्कुल, यहाँ का कंसेप्ट काफ़ी अलग है, गैराज है और गैराज से रिलेटेड आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ मिलेगा। और एक यहाँ पे चाय गैराज बिल्कुल सही नाम है मेरे हिसाब से। और जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो टैगलाइन है रिपेयर से रिमूव, एक्चुअली आपका मूड यहाँ पे रिपेयर होगा। अच्छा, और ये आपके टीम है सारे? हाँ ये हमारी सारी टीम है, और एंड इन लोग के साथ ही, इन लोग के वजह से ही मैं यहाँ पे अभी थोड़ा आगे बढ़ भी पाया हूँ। अगर ये लोग ना होते तो शायद मैं इतना आगे नहीं आ पाता या फिर ये कैफे ओपन नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो फाइनली ये था इनका आइडिया, और अच्छी बात है कि हमारे बिहार में भी काफ़ी सारे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अभी सभी लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और ये थोड़ा हटके है नौकरी से, क्योंकि स्टार्टअप एक अपने खुद में ही बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो फाइनली आप रेप्यूटेड कंपनी से डिज़ाइन करके देन आफ्टर अपना ये स्टार्ट। अच्छा, ये भी ये बहुत ही अलग बात है। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि यहाँ पे अच्छे से चले आप जी, और हमारे बिहार का रोशन नाम हो अच्छे से। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सर। तो फाइनली दोस्तों ये था पूरा चाय गैराज का फुल्ली एक्सप्लोर्ड वीडियो। आपको मैंने टेस्ट बताया, यहाँ का इंटीरियर डिजाइन बताया, हर चीज़ आपको मैंने बताया है। जो बच गया वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आप यहाँ पे जल्द आइए और यहाँ का किस चीज़ में आप इसको बेस्ट लेना चाहते हैं, डिज़ाइन में, फूड क्वालिटी में, प्राइस रेंज में, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों ये बिहार का स्टार्टअप है, हमारे बिहार का नाम रोशन होगा, मुझे बहुत खुशी है, आप कितना खुश है वो आप हमें बताइए। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।